हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अन अकेडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत की सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अगर आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है तो एक बार मुझे थम्स अप दे के बता दो कि हाँ जी मैडम सब बढ़िया है। ओके, जितने भी लोग देख रहे हो सेशन में हो, रोहित, विजय, बिंदास, पृथ्वीराज, ठाकुर, रामा, रोमिक, पृथ्वीराज, शिवम, एवरीवन, सभी लोग आ जाओ भाई और बता दो कि सब कुछ सही है, सब बढ़िया। एक एक बार थम्स अप दे दो मैडम को, थम्स अप दिखा दो मैडम को, क्लियर हो जाएगा। हाँ, सब सुन सकते हो, सब देख सकते हो एंड वी विल स्टार्ट द सेशन। एक्चुअली स्ट्रीमिंग हमेशा लेट आप तक जाती है, इसकी वजह से मैडम स्टार्ट भी कर देती हैं तो थोड़ा लेट होकर भी जाता रहता है। उतने बीच में मैं कमेंट बढ़ते रहती हूँ, स्टार्ट करो लेट हो रहा है, स्टार्ट करो लेट हो रहा है, तो मैडम इज ऑल्सो लाइक स्टार्ट करो लेट हो रहा है। ओके चलो चलते हैं, अब सेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है, अगर वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा तो अभी डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद से आप लोग एक काम करोगे, डाउनलोड जैसे ही करोगे वैसे आप लोग क्विजों में जाओगे, और क्विजों में जाने के बाद से आपको क्या करना होता है, क्विजों में जाके आपको कोड डालना होता है, जो कोड आपके सामने दिया रहता है, जैसे ही वो कोड आप लोग डालोगे वैसे ही आप हमारे साथ सेशन में आ जाओगे। तो सभी लोग फटाफट आओ और सेशन में एंटर कर जाओ, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हो जल्दी 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 शुरू करें। देखो भाई, ये हमारा आज का कोड आपको अभी दिखेगा, कोड है 512090, ठीक है, कोड आपका है 512090। इस कोड को एंटर करके और आप सेशन में आ जाओगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे लोग, जल्दी 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 सेशन को एक एक बार शेयर भी मार दो। हाँ, आज काफी दिनों बाद बहुत लोग लौटे होंगे मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, देखो भाई, ये आप लोगों का कोड आपको दिख रहा है 512090, फटाफट शेयर मारते चलो, शेयर मारते चलो और इस कोड को एंटर कर दो। वाईफाई स्टडी ऐप में जाओगे, ऐप में जाने के बाद से आपको करना क्या है, ऐप में जाने के बाद से क्विजों पे जाना है, क्विजों में जाने के बाद से आपको ये कोड एंटर करना है, ये कोड एंटर करोगे हमारे साथ में आ जाओगे। क्विजों अगर नहीं चलाना चाहते हो तो menti.com पे जा सकते हो, ठीक है, www.menti.com पे चले जाना। menti.com पे जाके भी आप लोग इस कोड को एंटर कर सकते हो, वहां से भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो सेशन में, और अगर आपको पसंद है तो आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आप लोग जैसे चाहो वैसे सेशन में आ सकते हो। चलो, संदीप, शिल्पी, विशाल, योगेश, पवन, दुखी आत्मा, आयुष, MD, सीमा, योगेश्वर, चंद्रपान, ज्योत, प्रीतम, मैना, जदीप, ढोंगी बाबा, अमित, मुकेश, पवन, आयुष, शुरू किया जाए। चलो ओके, चलते हैं सेशन की तरफ, बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल में सेशन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कौन से राज्य के गांव को अभी अभी यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये सुनामी रेडिनेस की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, यूनेस्को ने अभी अभी सुनामी रेडिनेस के लिए कौन से राज्य के गांव को चुना है, महाराष्ट्र, केरल, असम या ओडिशा। ओके नाउ, ये बहुत आसान सवाल आपसे पूछ रहा था, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अभी अभी कौन से प्रदेश के दो गांव को चुना गया है यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडिनेस के लिए। ठीक है, चलो 197 आंसर आए, 93 सही है और फिर वही 100 से ज्यादा लोगों ने गलत किया है। आसान सवाल था, गलत नहीं करना था। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की, जब भी हम लोग बात करते हैं सुनामी रेडिनेस की, सुनामी रेडिनेस, देखो सुनामी रेडिनेस अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किस चीज के बारे में आपसे बता रहा है। हाँ भाई, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, बिल्कुल खुश कर दिए तुम सब लोग। ओके, देखो ओडिशा ये पहला ऐसा राज्य बना है हमारे देश का, सिर्फ हमारे देश का नहीं इंडियन ओशन रीजन का भी ऐसा पहला राज्य बना है जिसको सुनामी रेडिनेस के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, अच्छा ये ऑनर इनको कहाँ से मिला है, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन,
यूनेस्को का होता है, हो सकता है आपसे पूछ ले आईओसी में आई से क्या है, ओ से क्या है, सी से क्या है। अब इंडियन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के अलावा यूनेस्को का जो ब्रांच है इसका मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। इन्होंने ओडिशा को अभी अभी चुना है। ओडिशा की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सेटअप हुई थी 1999 में, ठीक है, जो साइक्लोन हैंडलिंग वगैरह इन्होंने देखा है उसके बाद बोला गया है कि ओडिशा को हम लोग इस पर्टिकुलर के लिए चुन रहे हैं। अब देखो ओडिशा ने ये कहा है, ओडिशा ने इसकी रिकॉग्निशन के बाद कहा है कि वो लगभग 326 ऐसे विलेजेस हैं जिनको सिमिलर वे में प्रिपेयर करेंगे आगे जाकर के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यूनेस्को द्वारा किसको चुना गया है, ओडिशा को चुना गया। अच्छा, ओडिशा के सीएम गवर्नर हम लोग बहुत बात करते रहते हैं, नवीन पटनायक एंड गणेशी लाल। फिर ओडिशा के लिए और जो इंपॉर्टेंट बातों में आप लोग ध्यान रखोगे, हाँ भाई, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बालाराम योजना। बालाराम योजना में ये लैंडलेस फार्मर्स की हेल्प करने को कहे थे, लैंडलेस फार्मर्स की, और इसके लिए इन्होंने कहा था 7 लाख फार्मर्स की हेल्प की जाएगी, जिसके लिए ओडिशा सरकार ने 1040 करोड़ रुपए भी दिए थे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये कालिया वाली स्कीम की तरह रहेगा जो कि पीएम किसान से जोड़कर करा जा रहा है, ठीक है। दोनों बातों को ध्यान रखना, सवाल बनता है कालिया स्कीम कहाँ की है, अब आ सकता है बालाराम योजना कहाँ का है, इस तरीके के आ सकते हैं। फिर इन्होंने अपनी गवर्नेंस को, कोरोना के लिए नहीं कहा, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए कहा है कि हम लोग 5T प्रोग्राम भी चला रहे हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने ओडिशा की बात करी, 197 आंसर्स आए, 93 सही हैं, बाकी लोगों ने गलत बताया। यूनेस्को स्थित है पेरिस में और हेड होते हैं ऑड्रे ओजुले, ओके। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? हाँ, यहाँ का जो कोना, अच्छा ये बताना कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है? सबसे ऊपर है गरीब, गरीब सबसे ऊपर, सिंगम मैम जल्दी जल्दी जल्दी, जीत द हीरो स्पर्श, नवीन उपाध्याय, एकता, मोहित कुमार, हलगट आदमी एंड साक्षी, ओके चलो। अच्छा चलो एक बात बताना जरा आप लोग कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है, जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। हाँ देखो, अभी देखो ओडिशा को ट्राइबल हॉस्टल के लिए भी दिया गया था, वोट दिया गया था, ठीक है। कौन सी संस्था ने कहा है कि ये इनोवेशन हब शुरू करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर की भारत में, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर को बेहतर करने के लिए इनोवेशन हब शुरू करने को कौन सी संस्था ने कहा है? सेबी, सिडबी, आरबीआई या नाबार्ड, क्या आंसर होगा? ओडिशा, ठीक है। क्यों मैं पूछ रही थी, क्योंकि कोणार्क सन टेम्पल को पहली बार कंप्लीटली सोलर कैपेबल करने को कहा गया है, पूरी सिटी को भी जो है सोलर कैपेबल करने को कहा जा रहा है, सोलर पैनल्स लगेंगे और उसके बाद उसका फुल यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन होगा कहाँ पे? कोणार्क में, ये भी बात ध्यान रखना, मे भी सवाल बन जाए आप लोगों से, ठीक है। क्या अब आपसे पूछा था कि किस कौन सी संस्था ने कहा है इनोवेशन हब शुरू करने के लिए, और 231 आंसर्स आए, केवल 79 सही है, बाकी लोगों ने गलत बताया है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। हाँ देखो, बहुत आसान सवाल आपसे पूछा था, किसने कहा है इनोवेशन हब के लिए, आंसर्स करते चलो, आंसर्स करते चलो। देखो ये आरबीआई ने कहा है। अच्छा, इनोवेशन हब क्यों लाने को कह रहा है? इनोवेशन हब लाने को कह रहा है क्योंकि जितनी भी हमारे वहां पे जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है, इनको और जितने भी ऐसे फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, इनको और ज्यादा इनोवेटिव बनाने की बात होगी। किस तरह से इनके इंफ्रा को डेवलप कर सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करे। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, अभी भी बहुत लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, तो लगातार आरबीआई इस काम में लगा हुआ है किस तरीके से हम लोग इसको ग्रो करने में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी शुरू किया था। अब जब हम लोग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करते हैं, तो इसके द्वारा भी क्या हो रहा था, जो भी संस्थाएं पेमेंट में लगी हुई हैं, जैसे भुगतान, जो भुगतान वाली कंपनीज हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, या जैप कह लेते हो आप लोग, कोई भी ऐसी संस्था है ना, इन सभी को एक मदद मिलेगी, आरबीआई इनके लिए कुछ पैसे खर्च करेगा। अब जो छोटे मोटे शॉपकीपर्स हैं वो अपने यहाँ पे इस भुगतान राशि को शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू कर सकते हैं? आरबीआई की मदद से। तो ये पहले तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड खोला गया, जिसमें आरबीआई ने अपनी तरफ से 500 करोड़ दिए, और अब इन्होंने कहा है इनोवेशन हब बनाएंगे ताकि टेस्टिंग हो सकेगी कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कोई नया इनोवेशन ला रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में बेहतर काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके वहां पे आपने एक नाम कई बार सुना होगा, हाँ आरबीआई से ही बता रहे हो भाई, हाँ 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 ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने एक नाम कई बार सुना होगा, सैंडबॉक्स, ठीक है।
सैंडबॉक्स आपने नाम सुना होगा, ये उसी की तरह काम करेगा। क्या आरबीआई की जो हम लोग बात कर लेते हैं, तो आरबीआई स्थित है मुंबई में, गवर्नर है शक्तिकांत दास। एक और बात, सेबी अभी अभी क्या कहा था, सेबी ने कहा था ये वर्चुअल म्यूजियम खोलेंगे, किस चीज पे, सिक्योरिटीज मार्केट पे, तो इस बात को भी जरा ध्यान रखे रहना। ओके चलो, 231 आंसर से केवल 79 से ये बाकी लोगों ने गलत किया है। कैन यू इमेजिन, बहुत भयानक गलत आंसर आ रहे हैं। हाँ तो ये देखो पोल तो है, सबसे ऊपर है रणवीर सिंह। ओके वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखो अंकल, देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है, कौन से पेमेंट बैंक ने, कौन से भुगतान बैंक ने अभी अभी एक पार्टनरशिप करी है भारतीय एएक्सा के साथ में, और एक नया प्लान पैकेज लेके आया है, स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी, इसको लाने वाला अभी अभी कौन सा ऐसा आपका भुगतान बैंक है, पेमेंट पेटीएम पेमेंट, एयरटेल पेमेंट, जियो पेमेंट या NSDL। ठीक है चलो, 237 आंसर्स आए हैं और इसमें से 148 सही है, बाकी लोगों ने गलत भी बताया है। देखो बहुत आसान सवाल था, आपसे पूछ रहा था कौन से पेमेंट बैंक ने अभी अभी जो है शुरू किया है भारतीय एक से जनरल इंश्योरेंस के साथ में एक नए तरीके का प्लान, स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी। जब हम लोग इस नाम पे चलते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए, स्मार्ट प्लान लिखा हुआ है, देखो स्मार्ट प्लान लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लगा है, शॉप पैकेज। बेसिकली शॉप वालों के लिए, शॉप ओनर्स के लिए, इनके लिए एक नया तरीके का पैकेज लाया गया है भारतीय एएक्सए और एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। अब इस पैकेज में फायदा क्या होगा कि कोई भी शॉप है, मान लो जैसे दंगे फसाद में लोगों की शॉप्स को जला देते हैं, मान लो जैसे कि ऐसे कोई स्ट्राइक चल गया, या फिर मान लो कोई और नुकसान हो गया शॉप का, तो इन सभी के लिए उनको इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी, 2 लाख से लेकर 25 लाख तक की इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी। ठीक है, और इसको देने के लिए जो भारतीय एएक्सए है ये इंश्योरेंस देगा, और जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ये इनके साथ में टाई अप करके अपने जो भी इनके कस्टमर्स होंगे, जो भी यूज कर रहे होंगे इनके भुगतान राशि का, ये जिस भी तरीके से, उनको ये ऑफर करेंगे ताकि लोग इसको ले सकें। अब देखो क्वेश्चन और जो बन सकते हैं, अब जो हमसे और क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इन दोनों के दोनों डिटेल्स में। जैसे मैं आपसे कहती हूँ भारतीय एएक्सए का हेड ऑफिस कहाँ है और हेड कौन है, तो श्रीनिवासन जी हेड है और हेड ऑफिस होता है महाराष्ट्र में। सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है और हेड कौन है, तो हेड ऑफिस इनका नई दिल्ली में है, और जब हम लोग हेड की बात करते हैं तो ये अनुव्रत विश्वास होते हैं, MD CEO। जो क्वेश्चंस बनते हैं कभी भी कोई भी पेमेंट बैंक खोलने के लिए, किसी को भी जो न्यूनतम पूंजी यानी कि मिनिमम कैपिटल चाहिए होता है वो हमेशा 100 करोड़ चाहिए होता है। ओके, क्या पेमेंट बैंक आप लोग कहीं देखते हो, या कहीं पेमेंट बैंक लगा हुआ है उसके अंदर जाके आप लोग बैंकिंग कर रहे हो, कोई ऐसी सुविधा नहीं। पेमेंट बैंक हमेशा आपको आपके फोन में दिखता है, इसलिए ये वर्चुअल होता है। और चूंकि पेमेंट बैंक जनरल ऐसे लोन नहीं प्रोसेस करता है, जब तक आप लोग कहोगे पेटीएम वगैरह तो उसका अलग प्रोसीजर है, चूंकि ये लोन नहीं देगा, क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, इसकी वजह से इसको डिफरेंशिएटेड बैंकिंग कहते हैं। सबसे पहली बार पेमेंट बैंकिंग शुरू की गई थी राजस्थान से, और करने वाला एयरटेल ही था। ठीक है चलो, 237 आंसर्स आए, 148 सही है, बाकी लोगों ने गलत बताया है। चलो अब सब अभी भी सबसे ऊपर साक्षी है, वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देख लें। अब आपसे पूछ रहा है, ये अभी भी मैंने बताया, एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है, अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी सीईओ कौन होंगे, संजीव श्रीनिवासन, अनुव्रत विश्वास, शशि भूषण पांडे, या फिर कुछ भी नहीं। चलो चलो आंसर्स करते चलो, ये बहुत आसान सवाल है बच्चों, मतलब इसको हम लोग कहेंगे कि ये मतलब 2 कौड़ी वाले सवाल टाइप हो जाएगा। हाँ हिंदी में देखो क्या होता है ना, जो ये क्विज लगा रहे हैं तो इसमें वर्ड लिमिट आ जाती है, वर्ड लिमिट आ जाती है, तो शुरुआत में इंग्लिश रहता है, उसके बाद जब हिंदी कटनी जाते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता है, इसकी वजह से कभी कभी आपको हिंदी में नहीं मिलता है। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आई एम हियर, आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी उसको हिंदी में करके। ठीक है
चलो ये अभी मैंने आपको बताया, संजीव श्रीनिवासन जी को हम लोग कहाँ बैठा दें, इनको बैठा दें भारती एएक्सए में। अनुव्रत विश्वास जी को हम लोग कहाँ बैठा देंगे, एयरटेल पेमेंट में। शशि भूषण पांडे अगर आप लोगों को याद हो लास्ट ईयर जेएनयू वाला दंगा, तो ये बड़े फेमस हो रहे थे शशि भूषण पांडे, ठीक है, चश्मा वश्मा लगाते थे और अच्छा गाते थे, न्यूज पे भी आए थे एक बार एनडीटीवी पे, तो ध्यान होंगे। और कोई शशि भूषण पांडे याद हो तो बताइएगा, नन ऑफ दीज का तो कोई मतलब ही नहीं था। 249 में से केवल 142 सही है, बाकी लोगों ने गलत बताया था। और अभी अभी मैंने ये आंसर बताया था, तब भी गलत बता रहा हो, ऐसे कैसे चलेगा। दो कोड़ी के क्वेश्चन पे भी 100 लोगों से ज्यादा लोगों ने गलत बताया। क्विज डेली होती है, क्विज डेली इसी टाइम पे होती है। तेलुगु में बोलो अपड़िया। चलो सबसे ऊपर जतिन है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखे, अब आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन अभी अभी नए अध्यक्ष चुने गए हैं यूपीएससी के। यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है, रिवा गांगुली, मनोज सिन्हा, प्रदीप कुमार जोशी या प्रसून शाह। देखो बहुत आसान से वाले बच्चों, फिर से बहुत ज्यादा, अभी अभी जो है इन्होंने अरविंद सक्सेना को जो है रिप्लेस किया है, मनोज सिन्हा जी को अभी आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना गया है, ठीक है, रिवा गांगुली जी हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, फिर हमें प्रसून शाह दिख रहा है, नॉट एज सच इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो होता क्या है ना, जो तुम लोग कहते रहते हो कि कैसे ये पहले दे रहे हमारा बाद में, तो जिनके पास क्विज जाता है वो पहले क्वेश्चन दिखाते हैं तो तुरंत आंसर कर देते हैं। अब तुम्हारे पास में 30 सेकेंड लेट स्ट्रीमिंग आती है, इसलिए तुम लोग थोड़ा सा लेट कर देते हो, समझ रहे हो बात को। इसमें तुम्हारी गलती है, किसी की गलती नहीं है, यही बस प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी। खैर इसका आंसर है आपका प्रदीप कुमार जोशी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इन्होंने रिप्लेस किया है अरविंद सक्सेना को, ध्यान रखे रहिएगा किसको, अरविंद सक्सेना को इन्होंने रिप्लेस किया है। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ ज्यादा समझ आ रहा, कोई भी ऐसा, क्योंकि अभी अभी तो हम लोग, मैं कहूंगी कि अभी हम लोग बहुत ही आसान चीज देख रहे हैं और अभी खतरनाक क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट थैंकफुली वी आर नॉट हैविंग खतरनाक क्वेश्चंस टुडे। ओके चलो खैर, रिवा गांगुली जी को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश है, ठीक है। मनोज सिन्हा जी अभी अभी न्यूज में क्यों आए थे, क्योंकि ये बनाए गए थे एलजी। अच्छा एलजी कहां के बनाए गए थे, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी 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 जल्दी। ओके हाँ, जम्मू कश्मीर के एलजी बनाए थे, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलो 237 आंसर्स आए थे, 169 सही, बाकी लोगों ने गलत बताया। अगला क्वेश्चन देख लें, पहले तो आएगा हमारा लीडर बोर्ड, कौनो दिक्कत दुख परेशानी नहीं, यूपीएससी आर्टिकल 315, वेरी गुड। चलो सबसे ऊपर अभी कौन है, सबसे ऊपर अभी भी है जतिन अग्रवाल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया था, मनोज सिन्हा ने रिप्लेस किया था जीसी मुर्मू को, ठीक है। चलो इंडिया ने अभी अभी लाइन ऑफ क्रेडिट 18 मिलियन डॉलर का कौन से देश के सरकार के लिए एक्सपेंड किया है, फिशिंग फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए। तो जो भी मैथ्स फैसिलिटीज हैं उसको बेहतर करने के लिए भारत ने 18 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट कहाँ के लिए वो किया है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, 247 आंसर्स आए, 163 से ये बाकी लोगों ने गलत किया है। ये किया गया है मालदीव्स के लिए, रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के लिए इसको किया गया है, 18 मिलियन डॉलर तक जो है इनको एक्सटेंड किया गया है ताकि ये फिशिंग फैसिलिटीज को एक्सपेंड कर सके। भारत फिशिंग फैसिलिटीज में जब हम लोग देखें कि जो फ्रेश वाटर प्रोडक्शन होता है फिश का, उसमें भारत किस स्थान पर है, उसमें भारत होता है दूसरे नंबर पे। सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर प्रोडक्शन फिश आपको कहाँ मिलती है, चाइना में मिलती है, उसके बाद भारत में मिलती है। भारत का ये प्लान है कि आगे आने वाले समय में ये फिशरीज प्रोडक्शन अपनी और बेहतर करके इसको अपने एक्सपोर्ट के लिए यूज कर सके ज्यादा। खैर अभी अभी इन्होंने जो लाइन ऑफ क्रेडिट अपनी दी है वो दी है मालदीव्स को, और जो हम लोग बात करते हैं कितने की, तो ये 18 मिलियन डॉलर की दी है। अब एक बात और ध्यान रखना, मालदीव से दो चीजें आपको और याद होनी चाहिए, एक तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो इंडियन नेवी ने शुरू किया था कि जितने भी लोग फंसे होंगे उधर उन लोगों को एवेक्यूएट किया जाएगा जो भी इंडियन नेशनल्स होंगे, और दूसरा था ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी इंडियन एयरफोर्स का था जिसके तहत हम लोगों ने मालदीव को 6.2 टन मेडिकल ड्रग्स दिए थे कोविड 19 के टाइम पे। ये दोनों ऑपरेशन कोविड 19 के ही मध्य में आए हैं,
ठीक है, जब हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की, मालदीव्स की, तो मालदीव्स के आपके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर, बिना रुके बिना थके मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। कई बार इनकी बात हम लोगों ने की है, हु इज द प्रेसिडेंट? हाँ, इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ओके चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, अब कैपिटल मत कहना कि तुम लोगों को कैपिटल नहीं पता है। कैपिटल और करेंसी हम लोग आए दिन करते रहते हैं, रूफिया। ओके, और कैपिटल क्या होता है? दैट इज माली, माली एंड मालदीवियन रूफिया। ओके चलो, 247 आंसर्स आए, 163 सही है, बाकी लोगों ने गलत बताया है। चाइना सबको बेकार कर दिया, चाइना एक नए वायरस के साथ आ गया, क्या बात करते तुम लोग भी, टिक बोन वायरस लेके आ गया, बिल्कुल ही गजब की ये पढ़ाई। खैर सबसे भी जतिन ही है, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब आपसे पूछ रहा है कौन सी राज्य सरकार ने अभी अभी अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करी है गूगल के साथ में, ताकि डिजिटल एजुकेशन टूल स्कूल्स में शुरू किया जा सके। ठीक है, स्कूल्स में डिजिटल एजुकेशन टूल लाने के लिए कौन सी राज्य सरकार गूगल के साथ में पार्टनरशिप करी है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, जल्दी आंसर्स करो। हिंदी में मैंने बताया, हिंदी में भी क्वेश्चन होते रहते हैं, आज आपको जब भी ज्यादा वर्ड्स यहाँ हो जाते हैं तो हिंदी में नहीं दिखता है, वरना हिंदी में क्वेश्चंस रहते हैं, बाइलिंगुअल रहता है हमारा सेशन हमेशा, जो बच्चे कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हो। ठीक है चलो, अभी अभी जो ये है तो जी स्वीट, ठीक है, जी स्वीट जो कहोगे आप लोग, SUIT, मिठाई वाला स्वीट नहीं, ठीक है, तो जी स्वीट लॉन्च करने का जो है इनका अपना प्रोग्राम है, जिसमें 2.3 करोड़ टीचर और स्टूडेंट की हेल्प की जाएगी कि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया जा सके, क्योंकि बहुत दिन से चीजें रुकी हुई हैं। इससे जो भी बच्चे हैं, कहा भी जा रहा है, लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सबसे ज्यादा एजुकेशन में नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हाँ, इससे कैसे डील करना है, इसको डील करने के लिए जो है ना, महाराष्ट्र सरकार ने अभी अभी ये सुविधा दी है। ओके, कौन सी? गूगल के साथ में पार्टनरशिप करके, इनकी टेक्नोलॉजी यूज करके, और डिजिटल एजुकेशन टूल को और बेहतर बनाने की बात की जा रही है। अब एक बात को और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कि हम लोगों ने महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा, क्या अकेला महाराष्ट्र करने वाला? ऐसा नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले ई लीड्स भी हमने पढ़ा था, ठीक है, लर्निंग मेड एक्सेसिबल थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक, ई लीड्स हमने जो पढ़ा था, ये आपका दिल्ली ने शुरू किया था। ठीक है, ई लीड्स के जरिए दिल्ली सरकार दीक्षा पोर्टल, कभी आप लोग जब फ्री हो तो दीक्षा लिखना, दीक्षा पोर्टल पे आपको किताबें वगैरह दिखेंगी। तो इसके तहत दिल्ली सरकार ने क्या किया था, दीक्षा पोर्टल पे जा करके और वहां पे चीजों को अपलोड करने को कहा था। ओके हाँ, नो दिस वॉज वेरी इजी, इसका आंसर था महाराष्ट्र। अगर ई लीड्स आ जाता तो उसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ओके, और एक और भी बात, ये इन्होंने गूगल के साथ किया है, वो उन्होंने कोई ऐसे पार्टनरशिप में नहीं किया था। 243 आंसर्स आए, 125 सही हैं। महाराष्ट्र की हम लोग जब स्टैटिक बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र से याद रखिएगा, सीएम आपके उद्धव सिंह ठाकरे हैं, ठीक है, गवर्नर आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं। फिर ध्यान रखिएगा, काला घोड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र में हुआ था, दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनके, महाजॉब पोर्टल और दूसरा जो कि जॉब के लिए है, जॉब एक्सचेंज कर सकते हैं लोग, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक दूसरे की डेटा देख के, और हायरिंग हो सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, दूसरा इंपॉर्टेंट था, हाँ भाई, प्रोजेक्ट प्लेटिना, जिसमें कि प्लाज्मा थेरेपी की जा रही थी। ओके चलो, 243 आंसर्स में से केवल 125 सही है, बहुत ज्यादा गलत होने लगे अब आंसर्स। हाँ जी स्वीट के साथ में मैम, गूगल बहुत मेहरबान है इंडिया पे। हाँ, और सबसे रिसेंट अनाउंसमेंट क्या हुई है गूगल की, कोई बताएगा? पॉलिसी बाजार में 10% तक स्टेक खरीद सकता है गूगल, 150 मिलियन का, समझ रहे हो, ये अभी हाल फिलहाल में एक अनाउंसमेंट हुई है। चलो सबसे ऊपर अभी भी जतिन है, अब देखो आपसे पूछ रहा है, ये सवाल हम लोगों ने एक और बार किया था, IISc बेंगलोर ने शुरू किया है MITR लैब, ताकि 9000 टेस्ट हर महीने किए जा सके। इसमें M का मतलब क्या होता है, मल्टीपल मैनुअल मोबाइल मॉडर्न, ये रिपीटेड है, इसको सही बताना। IISc ने क्या शुरू किया है, इन्होंने शुरू किया है पहला MITR लैब, जहां 9000 टेस्ट हर महीने कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें M से क्या होता है, 230 आंसर्स आए, केवल 94 सही है, बाकी लोगों ने गलत किया है। और अजीब बात यह है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तब भी
देखो IISc बेंगलोर जो हम लोग बात कर रहे हैं MITR लैब वाली, ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल ही के सेशन में बल्कि हुआ था। हाँ भाई ठीक है, ये पहला RT-PCR मोबाइल लैब रहेगा आपका जो आप लोग देख सकते हो। ओके, और खास बात इसकी ये रहेगी, आंसर्स और भी लोग करते चलो, जो लोग इस पे देखते हो वो लोग थोड़ा सा धीमे धीमे आंसर्स करते हैं, लेकिन फिर भी आंसर्स करते चलो। अब ये आपका मोबाइल रहेगा ठीक है, जो RT-PCR टेस्ट कंडक्ट करेगा। मोबाइल का मतलब होगा वैन में, जो आप लोग कह सकते हो कि एक वैन हो, तो वैन चलेंगी जैसे एम्बुलेंसेज आप देखते हो, वैसे ये वैन होगा और टेस्ट कंडक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं केवल कोविड के लिए है, ये कोविड के अलावा आप लोग कह सकते हो HIV टेस्ट हो गया, H1N1 वायरस वाला टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट को कंडक्ट करेगा ठीक है। खास बात ये है कि ये मोबाइल है जो कि मूव कर सकता है, बहुत ही सेफ्टी के साथ इसको रखा जाएगा, और हर महीने 9,000 टेस्ट इसमें होंगे। साथ में ये जो रिजल्ट देना होगा, 4 घंटे के अंदर रिजल्ट अपने दे देगा जो भी वायरस का टेस्ट करेगा, ये इनकी जो है बड़ी खास बात है। ओके, अब आपसे पूछा था एम से क्या होता है, तो एम से होता है मोबाइल। पूरा नाम आप लोग बताइएगा कि MITR का इसमें एग्जैक्टली फुल फॉर्म क्या होता है ठीक है, कल मैंने आपको बताया था। हाँ, मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग ठीक है, मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग विल बी द फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग। ओके, मोबाइल का मतलब फोन करने वाला नहीं, मूव करने वाला। किसने शुरू किया है? IISc बेंगलुरु ने शुरू किया है ठीक है। 230 आंसर्स में से केवल 94 सही है, बाकी लोगों ने गलत भी बताया है। चलो अब सबसे ऊपर कौन है, अब सबसे ऊपर है जतिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देख लो, अब आपसे पूछ रहा है अभी अभी कौन सा इंस्पेक्शन ऐप शुरू किया गया है इंडियन रेलवे द्वारा, ताकि एकदम सही समय पे मॉनिटरिंग की जा सके रेलवे सिस्टम की। कौन सा नया ऐप आया है? आहे शी ओहे एचईसी। 3 सेकेंड्स हैं बस, 200 आंसर्स हुए हैं, जल्दी आंसर्स करिए भाई। विनोद वालों प्लीज चुप हो जाओ, या तो आंसर्स करो, विनोद को खोजना है तो जाओ और अपने फोन में देखो हु इज एग्जैक्टली विनोद, क्योंकि एग्जाम में विनोद के बारे में कुछ नहीं पूछने वाला है ठीक है। चलो देखो, बहुत आसान सवाल आपसे पूछा हुआ है कि हाँ भी देखो, आपसे पूछा था, सबसे पहले एक चीज को ध्यान दीजिएगा, रेलवे के इतिहास में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, रेलवे के इतिहास में दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट दिन मैं आपसे कहूंगी। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट दिन रहेंगे? यस, एक दिन रहेगा आपका, यस, 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई को 100% पंक्चुअलिटी मेंटेन की थी इन्होंने, और 23 मई 2020 को इन्होंने 99.54% जो है अपनी पंक्चुअलिटी दी थी। पंक्चुअलिटी का मतलब ट्रेन ऑन टाइम ठीक है, 1 जुलाई को जो भी ट्रेन थी, 201 ट्रेन थी, वो सारी की सारी बिल्कुल टाइम पे अराइव की थी, ये बहुत बड़ी बात है ठीक है। तो अब देखो ये मॉनिटरिंग किस चीज की हो रही है, मॉनिटरिंग की जब मैं आपसे बात करती हूँ तो जो भी आप लोग ट्रेन देखते होगे ऊपर आप देखते होगे रेलवे लाइन से जुड़ा रहता है ठीक है, तो बेसिकली मॉनिटरिंग की जाएगी कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुरंत उसकी पिक लेके भेज दी जाएगी, उसको सही कर दिया जाए। अब ये मॉनिटरिंग करेगा कौन? इसके लिए GPS इनेबल रहेगा, जो भी पेट्रोल मैन घूमते रहते हैं आप लोग देखते होगे रेलवे लाइन पे, आपको लोग दिखते हैं चेक करते करते, तो वो लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी तुरंत ये लोग भेजेंगे बोर्ड में, ताकि बोर्ड इस पे एक्शन ले सके ठीक है। OHE हम लोग देख रहे हैं, फुल फॉर्म क्या होगा? ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप ठीक है, ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप, ये OHE का फुल फॉर्म होगा। ओके, हाँ ध्यान रखिएगा। और GPS आपको पता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये इससे एनेबल होगा ताकि सही से जो है मॉनिटरिंग की जा सके ठीक है। चलो, 221 आंसर्स आए थे, 96 केवल सही हैं, बहुत जबरदस्त गलत आंसर्स हो रहे हैं आजकल तुम लोगों के, हो क्या क्या है सबको। खैर देखो, फिर ध्यान रखिएगा, मंत्रालय रेलवे का पीयूष गोयल जी के पास में है और रेलवे बोर्ड VK यादव जी के पास में है। एक और भी बात को ध्यान रखो, रेलवे जब हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, तो जो रेलवे है इसकी एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि 2024 तक इन्होंने कहा है कि हम पूरी रेलवे को बिल्कुल इलेक्ट्रिफाई कर देंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, और 2030 तक हम लोग अपने वहां पर क्या करेंगे, 2030 तक हम लोग अपने वहां पर कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे। फिर इम्पोर्टेंट बात, अभी अभी बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पे क्या शुरू किया गया था, कौन सा बॉक्स था, जल्दी जल्दी आंसर्स करो, कल के सेशन में पढ़ा था। क्या 221 आंसर आए थे, 96 सही है, बाकी लोगों ने गलत बताया। यहाँ शिल्पी अभिजीत, विजय, उमर, पवन, अभिजीत, अभिषेक, गणेश, शिल्पी, अमित, रचना, अभिजीत, जल्दी जल्दी आंसर्स करो।
ओवो मीन्स ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप, ठीक है। ये ऐप के जरिए कनेक्ट किया जाएगा पेट्रोल मैन को, और ये लोग लाइनों को देखेंगे जो ऊपर आप लोग ट्रेन को देखते हो ऐसे लगा रहता है, लाइन से चलती है। अगर प्रॉब्लम होगा तो इसकी कंप्लेन की जाएगी और उसको सही कर दिया जाएगा। इसी से OHE ऐप नाम है। 221 में से सबसे ऊपर है अभी जतिन, ठीक है। बैगेज के आगे क्या था? ई बात बैगेज, वेरी गुड, ठीक है। चलो रोमिक, वेरी गुड राहुल, रोमिक वेरी गुड, ठीक है। फिर देखो अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी फेमस फिक्शन राइटर थी और पुलित्जर प्राइज विनर थी जिनकी मृत्यु 6 अगस्त को हुई है? सलमान रश्दी, जॉन मेयर, शर्ली एनुग्राव, या कुछ भी नहीं। देखो अब बहुत आसान सवाल आपसे पूछा था, 225 में से 126 से ये बाकी लोगों ने गलत बताया, थैंकफुली। ओके, शर्ली एनुग्राव जो कि अभी अभी इनकी जो है मृत्यु हुई है, अब ये पूछ सकता है कि ये कहाँ की एक राइटर थी? ये अमेरिकन की एक फिक्शन राइटर थी, ध्यान रखिएगा। इन्हें जो है, हाँ इन्हें जो है इंपॉर्टेंट प्राइज जो मिला था दैट वॉज पुलित्जर प्राइज। ओके, पूछा जाता है कभी कभी कि ये कौन से देश को बिलोंग करती थी, तो दैट वुड बी अमेरिकन राइटर थी। हैं 225 में से केवल 126 सही है, बाकी लोगों ने गलत बताया, इसे कैसे चलेगा? क्वेश्चंस टफ नहीं हुए हैं, क्वेश्चंस अच्छे हो गए। अगर आप लोग देखो सबसे ऊपर अभी भी जतिन अग्रवाल ही हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब आपसे पूछ रहा है कौन सी राज्य सरकार ने YSR 6 युथा शुरू किया है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारी जा सके? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने YSR 6 युथा शुरू किया है अपने वहां पे? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? वेरी गुड, रोहित ने सबसे पहले आंसर कर दिया है। भाई हिंदी भी है इंग्लिश भी है, काहे परेशान होते हो तुम लोग, ठीक है। चलो देखो यार एक बात, कहीं भी YSR लग गया तो आंख बंद करके टिक करना आंध्र प्रदेश को, क्योंकि इसका आंसर आंध्र प्रदेश ही होता है। हर YSR के पीछे एक ही प्रदेश मिलेगा, आंध्र प्रदेश। अब आपसे पूछा था 6 युथा स्कीम कहाँ शुरू किया जा रहा है, तो इसको शुरू किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। जो भी वुमेन्स हैं जो बिलोंग करती हैं SC ST या बैकवर्ड क्लासेस को, उनकी मदद करी जाएगी, ठीक है। हाँ उनको जो है लोन दिया जाएगा, लोन से इन लोगों की मदद की जाएगी कि किस तरह से ये लोग जो है बेहतर काम कर सकते हैं। और इसके लिए वहां की सरकार ने पहले से ही 4500 करोड़ रुपए दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा, पहले से ही 4500 करोड़ इन्होंने दे रखे हैं। क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। एक और बात को आप लोग याद रखिएगा, महिलाओं को और एम्पावर, महिला सशक्तिकरण के लिए इस स्कीम को शुरू किया जाएगा बेसिक, ठीक है। फिर एक बात को ध्यान रखिएगा, इसके तहत 6 युथा स्कीम के तहत जो भी बेनिफिशियरीज होंगी उनको 75,000 रुपए दिए जाएंगे 4 साल में, हर साल 18,750 दिए जाएंगे रुपए। जो भी बेनिफिशियरीज होंगी इनको लोन भी एक्सटेंड किया जाएगा ताकि ये लोग इसकी मदद से और अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके, ठीक है। ये सवाल बन सकता है कितनी महिलाओं की मदद हो सकती है, तो लगभग 25 लाख महिलाओं की मदद होगी। इसके अलावा YSR असार स्कीम भी शुरू करने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। खैर 217 आंसर्स आए थे, 158 सही हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो जगन मोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंद्र CM और गवर्नर है। अगली बात को ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश ने ई रक्षा बंधन भी शुरू किया था जिसमें यह अपने वहां पे 1 लाख लोगों को जो है ट्रेनिंग दिए थे कि किस तरह से अगर आपको कोई साइबर बुली करता है तो आप उस पे जो है वर्क कर सकते हो और उसको दूर कर सकते हो। 11 से 12 बजे के बीच में ये ट्रेनिंग दिया जाएगा YouTube पर, किसके लिए है? आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, अचिता, विक्रम, विजय, शिल्पी, जीनियस, किरण, अनु अनु, शुभ्रा, दिव्यांका, रचना, भानु, शुभ्रा, शिल्पी, प्रियंका, शुभ्रा, हेमरा, संतोष, भानु, फजल, मनीष, निरंजन। आंसर्स करते चलो सभी लोग। सबसे ऊपर है जतिन। अच्छा आंध्र प्रदेश की एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर जो अलग हुआ था आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु से, मद्रास से अलग हुआ था ये, ठीक है। और ये अलग हुआ था 1953 में, जबकि स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, इसको भी ध्यान रखना। ओके चलो
अब आपसे पूछ रहा है, इनमें अभी अभी किसको WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रोहित शर्मा, सुरेश रैना, हरमनप्रीत कौर, या सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों? ये हर एक एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस, SSC, रेलवे, बैंक, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे और इसका मेरा 101% दावा है आपसे। चलो 220 आंसर्स आए, 155 सही है अभी, मतलब इस समय थोड़े से तुम लोगों के सही आंसर्स हो रहे हैं। ओके चलो, ये बहुत आसान सवाल आपसे पूछा था, WTF स्पोर्ट्स की बात कर रहा था। हाँ भाई, द आंसर विल बी सुरेश रैना एंड हरमनप्रीत कौर, ठीक है। ये आपकी महिला खिलाड़ी हैं क्रिकेट, और ये आपको पता है सुरेश रैना बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है, तो इन दोनों लोगों को अभी अभी चुना गया है। ओके, यस। अब जब हम लोग बात करते हैं कि, चलो एक और काम करना, WTF का फुल फॉर्म लिखते चलना जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग WTF का फुल फॉर्म भी लिखते चलना, ठीक है। रोहित कुमार की, रोहित शर्मा की हम लोग बात कर लें, तो रोहित शर्मा की बात करने के लिए क्या ही कहा जाए, ये तो बहुत ही खतरनाक टाइप इस समय हो चुके हैं। आप लोग कहीं भी देखेंगे तो रोहित शर्मा ही शर्मा है, जैसे ला लीगा पहली बार कोई क्रिकेटर एम्बेसडर बनाया गया, रोहित शर्मा बने हैं। तेलंगाना में इनके नाम के ऊपर एक बना है स्टेडियम, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना कि इनके नाम का पूरा पूरा एक स्टेडियम है। अच्छा, हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? अहमदाबाद में, किस नाम से? मोटेरा, ठीक है, जिसमें, जिसका इनॉग्रेशन ट्रंप साहब ने किया था, केम छो ट्रंप, ठीक है, कैसे भी हो ट्रंप जैसे। ओके खैर, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर था बोथ बी एंड सी, 220 आंसर आए थे, 155 सही थे, बाकी लोगों ने गलत बताया था। ओके, WTF का फुल फॉर्म मेरा क्वेश्चन था आपसे, आप सभी लोग आंसर करना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTF, वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन, वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन, बाकी लोग भी बताओ जो लोग नहीं बता रहे हो। आसान सवाल था, डूएबल कर सकते थे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक बार थम्स अप देते चलो कि सेशन में अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है। ओके, अब सबसे ऊपर कौन है? जतिन अग्रवाल। WTF का फुल फॉर्म जल्दी जल्दी, जितने लोग नहीं लिखे हो सभी लोग लिखोगे। अब आपसे पूछ रहा है, कौन सा देश जो है बनाने को है मॉन्यूमेंट उन सभी शहीदों के लिए जो 1971 के लिबरेशन वॉर में अपनी जान गंवाए थे, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने में जो भी शहीद हुए थे 1971 के लिबरेशन वार में, इसके लिए कौन सा देश अपने वहां पे एक मॉन्यूमेंट बनाने वाला है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। 211 आंसर आए, 131 सही है, बाकी लोगों ने गलत किया है। ये बहुत आसान सवाल था बच्चों, देखो जब हम लोग बात करते हैं लिबरेशन वॉर, ठीक है, तो ऑब्वियसली कौन लिबरेट हुआ था, कौन इंडिपेंडेंट हुआ था? बांग्लादेशी तो हुआ था, तो कौन करेगा? बांग्लादेशी करेगा, है कि नहीं? सैम मानेकशॉ को हम लोग जानते हैं, उसी से बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी, जो हाईएस्ट रैंक होता है कि कभी भी आर्मी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, इनके अलावा करियप्पा साहब को दिया गया था, लेकिन सैम मानेकशॉ को ड्यूटी के टाइम पे दिया गया था, करियप्पा साहब को रिटायरमेंट के बाद मिला। खैर, 211 आंसर्स में से केवल 131 सही है। अब एक बात और याद रखिएगा, लिबरेशन वार की जो हम लोग बात कर रहे हैं 1971 में हुई थी, और बांग्लादेश का जो है ये पर्टिकुलर जो मॉन्यूमेंट बन रहा है शहीदों के लिए, ये बन रहा है ढाका में, ठीक है। अगले साल इनॉग्रेशन होगा, अगले साल बांग्लादेश का 50वां इंडिपेंडेंस डे भी होगा, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बांग्लादेश की हाई कमीशन कौन है? रीवा गांगुली जी, इसको भी याद रखिएगा। बांग्लादेश की सीएम कौन है? सीएम होती है आपकी शेख हसीना, तेरे बिना मुश्किल है मेरा जीना, और आपके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? अब्दुल हामिद, ठीक है। फिर ध्यान रखो, करेंसी और कैपिटल क्या होता है? करेंसी और कैपिटल होता है टाका और ढाका। ओके, फिर बच्चों एक और बात जो मैं आपसे कई बार बता चुकी हूँ, शेख हसीना को 2 अवार्ड दिए गए हैं, कौन कौन से? वैक्सीन हीरो और कलाम स्मृति अवार्ड, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, दुख, परेशानी? यस, फादर ऑफ बांग्लादेश इज मुजीबुर रहमान, वेरी गुड हेमंत चेरी। ओके ओके ओके, वेरी गुड। 211 आंसर आए थे, 131 सही है। अच्छा, गंगा जो नदी है, गंगा नदी जी का नाम जो है ये बांग्लादेश में क्या होता है? सीना मान जाएगी, कुछ भी नाम चल रहा है, चलो अभी भी सबसे ऊपर हलकट आदमी ही है। अगला क्वेश्चन देखो, 50 साल का सब्सक्रिप्शन लेना, 50 साल तक तुम्हें विश्वास है बैंक वैंक कुछ नहीं होगा।
चलो, वेयर द प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट 2300 किलोमीटर अंडर सी केबल प्रोजेक्ट टू बूस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन 10th अगस्त। ठीक है, 10 अगस्त को कौन से प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी 2300 किलोमीटर अंडर सी केबल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं ताकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बेहतर की जा सके? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, अंडमान और नन ऑफ दीज। 213 आंसर्स आए हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बता रहे हो। कृति, नितिन, विजय, अचित्यानंद, रोहित, शुभेंदु, रमाकांत, दिव्या, रवि, जिसान, मानसी, सुचिस्मिता, निशी, विवेक, प्रवीण। वेरी गुड, बहुत आसान सवाल था बच्चों। 2300 किलोमीटर अंडर सी केबल प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे लाया जा रहा है ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी की जा सके? इसका आंसर था आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिया जाएगा बेसिकली अंडर सी करके। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर को बेसिकली कनेक्ट करेगा आपका इंडियन मेन लैंड तक। ठीक है, और इसको करने का ऐसा इनका क्या मकसद होगा? हाँ भाई देखो, ये जो आपका होगा इसका नाम होगा सबमरीन फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी OFC। अगर आप लोग कहीं OFC सुनते हो तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, 2300 किलोमीटर होगा, इसके लिए कितनी धनराशि दी जा रही है? 1224 करोड़ रुपए इसके लिए लगेंगे। ओके, फिर एक बात को और जरा ध्यान रखिएगा, इससे बेसिकली जो यहाँ की अंडमान की जो भी स्पीड है ना, वो स्पीड बेहतर की जा सकेगी। जैसे पोर्ट ब्लेयर वगैरह पे बेहतर स्पीड की जा सकेगी, हैवेलॉक वगैरह को भी जोड़ लिया जाएगा, ग्रेट निकोबार जोड़ लिया जाएगा, जो कि स्पीड अच्छी दे सके और वहां पे टूरिज्म का स्कोप बना रहे, बेहतर जा सके। ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। ओके यस, बस एक आप लोग कह सकते हो यहाँ पे स्पीड अच्छी करने के लिए ये किया जा रहा है। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में जो है फाइबर केबल लिंक किया जाएगा, 2x200 गीगाबिट्स पर सेकेंड से जो है स्पीड से जो है दिया जाएगा इनको केबल नेट कनेक्टिविटी। ठीक है, चलो, 213 आंसर आए थे, 116 से ये बाकी लोगों ने गलत भी बताया है। यस ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों एक चीज को और जरा ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने ये देखा, पूछा जाता है कई की बार, अच्छा अंडमान और निकोबार को सेपरेट कौन करता है? 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री कौन सा चैनल करेगा? ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कौन सा ऐसा प्रदेश है जो कि अपने वहां पे जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं उनको नेट सुविधा देने में समर्थ रहा है, तो ये केरल था। केरल ने सभी को जो है नेट कनेक्टिविटी दी है, ऐसा करने वाला पहला प्रदेश भी केरल ही था। ठीक है, ओके चलो, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो 10 डिग्री, वेरी गुड। प्रजापति बॉय, तुम्हारा नाम कितनी बार तो आया यार, क्या बात करते हो तुम भी। चलो खैर, केरल वाली जो हम लोग बात कर रहे थे इसको भी याद रखिएगा, के फोन प्रोजेक्ट था यहाँ का। ये पहली बार ऐसा है जो 20 लाख BPL फैमिलीज को इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसके लिए केरल का 1548 करोड़ रुपए भी लगा था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग जरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वरना इस पे अटके रह जाएंगे। 213 आंसर्स में से 116 सही है, बाकी लोगों ने गलत बताया है। प्लस पे मेरा बैच कब आ रहा है? प्लस पे मेरा बैच अभी चल रहा है, एक और आने वाला है। ठीक है, चलो, ये इतना ज्यादा गलत कैसे हो गया? सबके जज्बात बदल गया, सबसे ऊपर अब्बे यार आ गए, अब्बे यार तुम तो सबसे ऊपर आ गए, वाह वाह। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपसे पूछ रहा है, एग्जिम बैंक ने एक्सटेंड किया है 250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट कौन से देश को ताकि इंप्रूव किया जा सके पावर सप्लाई क्वालिटी? पावर सप्लाई क्वालिटी को बेहतर करने के लिए एग्जिम बैंक ने 250 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट किसको दिया है? जाम्बिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, मालदीव्स। समय और प्रकाश जा चुके हैं हम सभी को छोड़कर। ठीक है, 199 आंसर आए, केवल 83 सही हैं, बाकी लोगों ने गलत किया है। ओ भाई मारो मुझे मारो, इतने गलत कहाँ से आ रहे आंसर्स? ठीक है, एग्जिम बैंक ने 250 मिलियन जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी है ये दी है मोजाम्बिक को, यहाँ पे पावर सप्लाई क्वालिटी सही करने के लिए। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है इतनी धनराशि हम आपको देंगे, यानी इतने रुपए तक के बीच में हम आपको लोन देंगे इस पर्टिकुलर काम के लिए। अगर आपके वहां पे कोई दिक्कत है तो आप हमसे लोन ले सकते हो। अब एग्जिम बैंक की हम लोग बात करें तो एग्जिम बैंक की जो आपकी
हाँ भाई आंसर्स करते चलो। एग्जिम बैंक की जो आपकी जीएम है, इन्होंने इस लोन को जो है फर्दर आगे बढ़ाया है, ठीक है। यस, खैर अगर आपसे पूछता है कि मोजाम्बिक को 250 मिलियन देने के साथ साथ टोटल कितना जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया जा चुका है, तो टोटल लाइन ऑफ क्रेडिट इनको दिया जा चुका है 772.44। इतने रुपए तक भारत अलग अलग बैंक के थ्रू जो है इनकी मदद करेगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। एक और बात को जरा ध्यान रखिएगा, जो हम लोग थोड़ी और बात कर लेते हैं, तो एग्जिम बैंक ने ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, एग्जिम बैंक ने कुल ऐसे 264 लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखे हैं 62 अलग अलग देशों को, ज्यादातर जो कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की है, ठीक है। फिर एक चीज ध्यान रखिएगा, एलओसी जो मैंने आपको बताया, एग्जिम बैंक की बात करें तो एग्जिम बैंक स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में, और इनके जो एमडी होते हैं ये होते हैं डेविड रस्किन, ठीक है। बनाया गया था एग्जिम एक्ट 1981 के तहत, 1982 में स्थापित कर दिया गया था। मोजाम्बिक की बात कर लें तो मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट, कई बार बात हुई है, फिलिपे न्यूसी, ये प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं कार्लोस अगस्टीना डो रोसेरियो, कार्लोस अगस्टीना याद कर लो, ठीक है। चलो, कैपिटल मपुटो, करेंसी मेटिकल, मोजाम्बिकन मेटिकल, ठीक है। चलो 199 आंसर आए थे, केवल 83 से ये बाकी लोगों ने गलत बताया है। आजकल बहुत जबरदस्त गलत आ रहे हैं तुम लोग के आंसर, बहुत ही ज्यादा। चलो अब देखो सबसे ऊपर कौन है, अब सबसे ऊपर रज आ गए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अब आपसे पूछ रहा है, आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक में रेपो रेट को अनचेंज रखा था, कितना रेपो दर है इस समय, 4.5%, 4.25%, 4% या 3.75%। चलो 195 आंसर्स हैं, 108 सही हैं। ओके, तो देयर आर स्टूडेंट्स रिक्वेस्टिंग टू यूज इंग्लिश, सी वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चंस, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाइल एक्सप्लेनिंग, आई विल हैव टू एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। इफ आई विल बी एक्सप्लेनिंग कंप्लीट इन इंग्लिश, दैट वोंट बी अंडरस्टैंडेबल टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज द रीजन वी यूज हिंदी एंड नॉट इंग्लिश। ओके, डोंट गेट इट अदरवाइज, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड द वर्ड यू आर नॉट गेटिंग यू कैन टेल मी, आई टेल यू एंड आई एक्सप्लेन यू। ओके रवि तेजा, इज दैट ओके फॉर यू। चलो, आरबीआई का पूछा गया था आपसे मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, रेपो रेट कितना है, तो रेपो रेट इज स्टिल 4%, ठीक है। वॉट एग्जैक्टली इज रेपो रेट, क्या होता है, कभी भी जब बैंक आरबीआई से लोन लेती हैं कम समय के लिए, ठीक है, 24 घंटे वाला एमएसएफ होता है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा, ठीक है, तो ये आपका होता है 4% इस समय है, ये आपका रेपो रेट कहलाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेपो रेट। रेपो रेट जनरल किसके लिए होता है, जो भी आरबीआई के एलिजिबल क्लाइंट्स होते हैं सभी के लिए होता है। 195 में से 108 सही थे, बाकी लोगों ने गलत किया है। खैर, इसके साथ ही साथ 4.25 बैंक रेट और एमएसएफ होगा, ठीक है। चलो अगला देख ले हम लोग, स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, ओके आई विल स्पीक बोथ लैंग्वेजेस एंड आई विल स्पीक तेलुगु टू। ओके चलो, सबसे ऊपर है व्रज, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, 3.35 इज रिवर्स रेपो, वेरी गुड किरण। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, रॉकफेलर फाउंडेशन ने सेलेक्ट किया है किसको टॉप 10 विजनरीज इन वर्ल्ड ऑफ द फूड विजन 2050 प्राइज, ठीक है। फूड विजन 2050 प्राइज के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन ने टॉप 10 विजनरीज में किसको चुना है, एसजीएफ फाउंडेशन, नांदी, डेविड एंड गुलाग या कुछ भी नहीं, क्या आंसर होगा। इंग्लिश को कैसे एनहेंस करें अभिजीत, इसके लिए बेटर है कि आप किसी इंग्लिश की फैकल्टी से पूछो, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश कैसे एनहेंस करें ये बताने लगूं तो कोई मतलब नहीं है ना, समझ रहे हो बात को। खैर, 191 आंसर्स हैं, 67 से ही बाकी लोगों ने गलत बताया है। बताओ विवेक राव, बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत दुख परेशानी है। देखो, रॉकफेलर फाउंडेशन है ये यूएस स्थित एक संस्था होती है, और ये बेसिकली जो है इस साल नांदी फाउंडेशन, जो कि हैदराबाद की स्थित संस्था है, इसको चुनी है अपने टॉप 10 विजनरीज में, किसके लिए, फूड विजन प्राइस 2050 का प्राइस, ठीक है। रॉकफेलर फाउंडेशन की जनरल जब हम लोग बात कर लेते हैं तो ये अवार्ड दिया जाता है एप्लीकेशन को, ठीक है। हाँ भाई, और ये जो यस यस यस
जो ये मॉडल है इट लीड्स टू द फूड विजन 2050। कई बार आप लोग सुनोगे कि ये फॉलो कर रहा है ABCD EFGH, ठीक है, ये बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा, जनरल नहीं आना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये कौन सा मॉडल फॉलो करता है। तो ये ABCD EFGH एक मॉडल होता है, उसको जनरल फॉलो करता है। हालांकि इतने डीप में हमें नहीं जानना है, ये जानना है रॉकफेलर फाउंडेशन US का होता है, नांदी जो कि हैदराबादी फाउंडेशन है, इनको इन्होंने अभी अभी चुना है अपने इस पर्टिकुलर प्राइज के लिए। अब देखो, वर्ल्ड फूड प्राइज रतन लाल जी को दिया गया था, फूड विजन प्राइज नांदी फाउंडेशन को दिया गया, कंफ्यूज मत होना। 191 आंसर 67 सही है, बाकी लोगों ने गलत बताया। हाँ, अभी अंतिम सवाल भी आएगा, घबराओ नहीं। चलो अब सबसे ऊपर आ गए, अबे यार अगला क्वेश्चन देखो। यू थिंक आई एम एंग्री टीचर, वाई आई एम एंग्री टीचर। चलो, माधवपुर मेला कहाँ पे लगता है? माधवपुर मेला कहाँ लगाया जाता है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या आंसर होगा? अरे देखो यार, हिंदी में लिखा तो है, बताओ क्या चाहते हो तुम लोग? माधवपुर मेला कहाँ पे बनता है? तो बेसिकली एक छोटा सा गांव है पोरबंदर के थोड़ा आगे, लेकिन ये मिनरली और कल्चरली बहुत रिच जगह है। माधवपुर मेला जो है बेसिकली ये गुजरात में बनता है। अच्छा, अभी अभी मालवा उत्सव मना था मध्य प्रदेश में, तो इसको ध्यान रखना, ये सवाल बनता है कई बार। 185 में से केवल 47 सही है, बाकी लोगों ने गलत भी बताया है। यस यस यस, गुजरात, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अब गुजरात के सीएम और गवर्नर बताओ। ओके, अबे यार आज के विनर हैं। ओके, बधाइयाँ, बहुत सारी ढेर सारी आपको बधाइयाँ। अबे यार तुम तो विनर हो आज के, वेरी गुड। ठीक है, तो यू डिड वेरी वेल, बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, चलो अब देखो, आप में से जो भी लोग सेशन को देख रहे हो, अगर आप लोग चाहते हो मेरे साथ बाकी सेशंस में आना और सभी से पढ़ना, ठीक है, SSC की तैयारी कर रहे हो या बैंक की, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा डिवोटेड टाइम आपको मिलेगा और थोड़ी सी और ज़्यादा आपको जो है गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है अनअकैडमी पे। तो अगर आप लोग चाहते हो, एग्जाम आपको पता है बिल्कुल करीब है, अब अगर आप लोग चाह रहे हो अनअकैडमी पे हमारे साथ आना, तो आपको क्या करना होगा? छोटा सा प्रोसेस होता है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड किया, जब डाउनलोड करोगे इसको, उसके बाद गोल पूछता है जिसकी तैयारी कर रहा हो। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, उसमें आपसे पूछता है कि कितने दिन का सब्सक्रिप्शन चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि मान लो आपने एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया, फीस आपको दिखाया 6000, रेफरल कोड पूछता है आपसे, रेफरल कोड ये रहेगा सुष्मिता 10, ठीक है, SUSHMITA 10, यहाँ पे कोई एच नहीं है, सिर्फ एक एच है, ध्यान रखिएगा, कोई स्पेस नहीं होता है। जैसे आपने इसको लगाया, ये 6000 फीस है, तुरंत ये कम होके 5400 हो जाएगी। जैसे चाहो पेमेंट कर दो, उसके बाद से मेरे साथ में जितने भी सर और मैम लोग पढ़ा रहे हैं, जिस भी कोर्स के लिए आप पढ़ना चाहते हो, आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा हमारी स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं। स्पेशल क्लासेस अभी आपको ये मेगा क्विज वाली मिल जाएंगी, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए कल सुबह 11:30 बजे क्लास होगी, आज भी सुबह 11:30 बजे इनकी क्लास हुई थी। ठीक है, तो कल आपको मिल जाएगा, वीकेंड्स पे ये क्लास होती है। ठीक है, चलो तो अभी देखो, आपकी प्लस पे जो है दो क्लासेस चल रही हैं, एक करंट अफेयर्स चल रहा है और बैंकिंग अवेयरनेस आने वाला है, नेक्स्ट वीक आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका GA का जो पोर्शन होता है, जहाँ पे जनरली बच्चों को दिक्कत होती है कि मैडम कैसे करें और मेरा GA में हर बार रह जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इस बैच से। YouTube पे क्लास 12:00 बजे होती है, 5:00 बजे होती है, 2.0 पे 5:00 बजे होती है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने सभी मौज करिए। ओके, होपफुली आप लोग इंजॉय कर रहे होगे घर पे रहो, ठीक है, बिकॉज आपको पता है बड़ा खतरनाक, बहुत ही भयानक टाइप की बीमारी है पूरी मानव जाति के लिए, इससे हमें संभल कर रहना है। ओके, ये नहीं कि हीरो बन रहे हैं और जा रहे हैं, जैसे यहाँ जब हीरो बनते हैं कमेंट में कुछ भी लिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हीरो बन के जा रहे और कुछ भी कर रहा हो, अरे हम नहीं डरते हैं एकदम कोरोना से, कोरोना से कोई नहीं डरता है, लेकिन जब आसपास किसी को होता है तब सबको डर लगती है, समझ रहे हो बात को? प्लीज टीच ऑन डिजिटल बोर्ड, पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर करूंगी। ठीक है, चलो।